हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के यानी कार्यपत्रक 19 को हल करेंगे। इससे पहले अपन कार्यपत्रक 1 से 18 तक हल कर चुके हैं। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर उनको आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दक्षता, पूर्णांक संख्याओं की समझ बना पाना। फर्स्ट प्रश्न है, निम्न संदर्भ में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर संख्या के रूप में लिखिए। अपन देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, वो पढ़ रहे हैं। राजू कुएं में बने अपने घर से एक सीढ़ी द्वारा बाहर निकलना चाह रहा है, लेकिन सीढ़ी पानी में होने के कारण वह बार बार फिसल रहा है। जैसे ही राजू ऊपर की तरफ छलांग लगाकर चढ़ने की कोशिश करता है, वह फिसल जाता है। वह लगातार कोशिश कर रहा है, वह हर छलांग में 2 पायदान ऊपर चढ़ता है, लेकिन फिसलन के कारण 1 पायदान नीचे वापस आ जाता है। पानी के तल के पायदान को अगर हम 0 माने तो उससे ऊपर के पायदान को हम बढ़ते क्रम में 1, 2, 3, 4, 5 के रूप में समझ सकते हैं। ठीक इसी तरह पानी के तल के नीचे घटते क्रम में -1, -2, -3 के क्रम के रूप में पायदानों की संख्या को समझ सकते हैं। तो देखते हैं अपन, जैसे ये है राजू, तो ये जो राजू है देखो यहाँ पे आपको एक कुआ है, कुएं के अंदर एक सीढ़ी है, सीढ़ी में साइडों में कुछ नंबर लिखे हुए, देखो यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, पहला प्रश्न है, क्या आप बता सकते हैं कि राजू अभी कौन से पायदान पर खड़ा है? तो आप आसानी से बता सकते हैं कौन से पायदान पर खड़ा है, 3 नंबर पायदान पर खड़ा है, तो तीसरे पायदान पर खड़ा है, अपन लिख देंगे तीसरे पायदान पर खड़ा है। नेक्स्ट है, 2 छलांग में राजू कौन से दाएं पायदान पर पहुंच जाएगा? जैसे अभी 3 पे खड़ा है, 2 छलांग जाएगा, 1, 2, तो कौन से पे पहुंचेगा? 5वें पे पहुंच जाएगा, यानी 5वें पायदान पर पहुंच जाएगा। फिर है तीसरा, पायदान संख्या 0 से 2 पर जाने के लिए राजू को कितनी छलांग लगानी पड़ेगी? जैसे ये 0 है, यानी 0 यहाँ से 2 छलांग लगाता है, 1, 2, तो 2 छलांग लगाएगा तो कौन से पे पहुंचेगा? 2 नंबर पे पहुंच जाएगा। तो यानी कितनी छलांग लगानी पड़ेगी ये पूछ रहा है, 2 पर तो पहुंच रहा है वो, लेकिन छलांग कितनी लगानी पड़ी उसको? 2 छलांग लगानी पड़ी, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे उसने 2 छलांग लगाई। फिर है, -5 से 0 तक पहुंचने में राजू को कितनी छलांग लगानी पड़ेगी? यानी -5, देखो 0, -1, -2, -3, -4, -5, यानी -5 से 0 तक पहुंचने में राजू को कितनी छलांग लगानी पड़ेगी? यानी 0 तक पहुंचने कितनी लगानी पड़ेगी? 1, यानी यहाँ से चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 छलांग लगानी पड़ेगी, तो अपने को लिखना है 5 छलांग लगानी पड़ेगी। फिर है, -1 से 1 तक पहुंचने के लिए कितनी छलांग लगानी पड़ेगी? यानी -1 से, जैसे 0, 0 से ऊपर 1 और 0 से नीचे -1, तो कहता है -1 से 1 तक पहुंचने के लिए, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए 1 और 2 कितनी छलांग लगानी पड़ेगी उसको? 2 छलांग लगानी पड़ेगी। फिर है दूसरा, पानी के जमाव बिंदु को 0 डिग्री से दर्शाया जाता है। यदि माउंट आबू का तापमान जमाव बिंदु से 2 डिग्री सेल्सियस कम है तो उसे क्या लिख सकते हैं? तो -2 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। इसी तरीके सर्दियों में यदि कश्मीर का तापमान बिंदु से, यानी यहाँ बताना कम हो, तो -10 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ लिखना है अपने को 10 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तापमान अधिक है उस पर गोला लगाएं, यानी जो तापमान ज़्यादा बता रहा है उस पर गोला लगाना है। जैसे 20 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस, तो ज़्यादा कौन सा है? 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 पे गोला लगाना है। फिर 0 डिग्री सेल्सियस या फिर -5 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस का मतलब कम है, यानी एकदम माइनस में जा रहा है, इसका मतलब कम हो गया, तो 0 डिग्री सेल्सियस इससे ज़्यादा है। फिर -3 डिग्री सेल्सियस या -5 डिग्री सेल्सियस, तो -3 और 5 में, तो -3 है वो -5 से क्या है? बड़ा है, यानी तापमान ज़्यादा कौन सा है? -3 डिग्री सेल्सियस है। फिर है -5 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस ही, यानी तापमान क्या होगा? अधिक होगा। तो इस तरीके से अपने को इस यानी अपने कार्यपत्रक 19 को हल करना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।